हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विजय लव टेस्ट। में आज मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, जिसके बोलने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। फिर भी ये पॉइंट मैंने सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। सब लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि पार्टनर पहले टाइम देता है, अब टाइम नहीं देता, सर क्या करे। तो कुछ डिफरेंट पॉइंट लेके आया हूँ, अगर वो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बना रहेगा। जो जैसा आप टाइम चाहते हो सेम टू सेम वैसा मिलेगा। कोई भी क्वेरी वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना। इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि बहुत सी गर्ल्स और बॉयज़ की यही क्वेरी है कि सर हमारा पार्टनर हमें पहले टाइम देता था, पहले अच्छे से प्यार की बातें वगैरह करता था, मतलब पूरा टाइम हमारे पास ही होता था, हमारे बिना रह नहीं सकता था। अब सर वो बदल चुका है, ना हमें टाइम देता है, ना कॉल करता है, ना मैसेज करता है, हम ही कर लेते हैं, हमें इग्नोर करने लग गया सर। पाँच पाँच तीन तीन छः छः दिन हो जाते सर कॉल आते नहीं है, मैसेज नहीं आते, जब उसको टाइम होता है तब वो कॉल करता है या करती है। तो ये आज मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूँगा, ये चीज़ें क्यों हो रही है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप बताइए, डिफाइन करूँगा मैं आपको। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाली है। लिमिट, हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, उसकी एक सीमा होती है, अगर वो अपन पार कर लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे एक मूवी लगी है, कोई अभी नई मूवी लग गई, आप लोग उसको देख रहे हो, तीन चार दिन देख सकते हो कंटिन्यू, एक दिन में 5 बार देख रहे हो, तीन चार दिन तक देख सकते हो, फिर आपको देखते देखते 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर आप बोर हो जाओगे उस मूवी को, फिर आप डिलीट कर दोगे, क्योंकि आपकी अति होगी, लिमिट से ज़्यादा आप उस चीज़ को करने लग गए। तो आपको लिमिट से ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना, अपने पार्टनर के लिए, मतलब उन्होंने कॉल कर दिया, मैसेज कर रहे हैं तो आपने तुरंत रिसीव कर लिया, मतलब उनके रिप्लाई तुरंत देने लग गए, तो हर टाइम आपको अवेलेबल नहीं रहना। आपकी खुद की भी कोई पर्सनल लाइफ है, उसमें भी थोड़ा बिजी रहो, मतलब खुद के काम भी किया करो, बाद में अपने पार्टनर को टाइम देना ज़रूरी समझा करो। हमेशा अवेलेबल रहोगे तो वैल्यू आपकी घट जाएगी। लाइफ का रियल रूल फैक्ट यही है, इजी टू इजी नॉट वैल्यू। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू हमें नहीं रहती। हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, तो जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करना पसंद करते, हम उसे आते हैं घर पे पटक देते हैं, पता है कि मार्केट में जाएंगे वापस मिल जाएगी। कदर उसी की होती है जो बड़ी मुश्किल से मिले, यूनिक चीज़ें होती है कुछ जिन्हें हम घर में भी संभाल के रखते हैं, मतलब पता है हमें ये चीज़ नहीं मिलनी, हम उनकी कितनी केयर वगैरह करते हैं। जैसे फ़ोन की स्क्रीन वगैरह है तो हम उनकी केयर वगैरह करना ज़रूरी समझते हैं, मतलब उसको फेंक नहीं देते पत्थर पर, पता है टूट जाएगा। तो वैसे आप इम्पोर्टेंट बनो, अगर आप किसी के लिए अवेलेबल हमेशा रहोगे तो आपकी कदर नहीं रहेगी, वैल्यू घट जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट पर्सन बनो, अपनी लाइफ को भी समय दो, अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी हमेशा, मतलब सबको इजी वे में आप अवेलेबल मत हो जाया करो। कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, आप अवेलेबल हो गए, मिलने के लिए बुलाया, तो ये चीज़ें थोड़ी माइंड में आप थिंकिंग डालो कि हमेशा आपको अवेलेबल नहीं रहना, हर चीज़ के लिए ना करना सीखो, तो बेटर देन बेटर लाइफ लाइफ होगी आपकी। अगर ये पॉइंट अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपका पार्टनर आपको इतनी इम्पोर्टेंस देगा आप खुद नहीं सोच सकते। टाइम सिस्टम बैठाओ अपना, कॉल मैसेज उतने ही जितने ज़रूरत हो। स्टार्टिंग वाले रिलेशन की तरह मत करा करो कि मतलब लगे हुए हो 12 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 15 घंटे, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का, लगे हुए बस फ़ोन पे, फ़ोन रखना कान पे, बात करनी है, मैसेज करना है, मतलब कोई बात सारी ख़त्म हो चुकी है दिन की, फिर भी लगे हुए, हाँ क्या कर रहे हो, और हाँ और ठीक है, बस इतनी बातें हो रही है, मतलब सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, ये बातें चल रही है। अरे यार ऐसा मत करो, बात ख़त्म हो चुकी है फ़ोन रख दो, क्योंकि उससे क्या आपका सामने वाला पार्टनर भी इरीटेट होता है, आप भी इरीटेट होते हो, इसके कारण क्या बॉन्डिंग कम बनती है, फिर क्या टूटने लग जाती है बॉन्डिंग, आपको खुद नहीं पता चलता कि आप दोनों के साथ क्या हो रहा है। इसी की वजह से ज़्यादा रिलेशनशिप टूटते हैं, मतलब घंटों बातें करते रहते हैं, फिर एकदम से पार्टनर कहीं बिजी होने लग जाता है अपनी पर्सनल लाइफ में, फिर वो आप लोगों को खटकता है, इसके कारण लड़ाई होती है, शक पैदा होता है। इससे अच्छा है लिमिट की बात करोगे तो इंटरफेयर भी उसकी लाइफ में कम रहेगा और सोचने का भी कम ध्यान जाएगा आपका।
और शॉर्ट बातें होएगी, पार्टनर को भी इच्छा होएगी आपसे बात करने की। और दिन में आप 4-5 घंटे अगर अपने पार्टनर से बात नहीं करोगे, उस टाइम कुछ और काम कर रहे हो और कुछ उस टाइम यूनिक चीज़ें हो जाती है, तो वो पार्टनर को बताने के लिए जब उस टाइम कॉल करोगे बेटर रहेगा आपके लिए। इस तरीके से मतलब मैच्योर बनो ताकि आपकी लव लाइफ अच्छी चल सके। बस ये आप सबके लिए रियल फैक्ट है, ये अपनी लाइफ में ये इसको एक दवाई के रूप में पी लेना आज ही। जैसे 1 गिलास पानी पीना है आपको और मैं आपको 4 गिलास पानी पिला दूँ तो पेट तो दर्द होगा ना आपका, तो ठीक उसी तरह हद से ज़्यादा प्यार करोगे तकलीफ़ होगी ना आपको। तो हर चीज़ें लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट में करोगे उसकी वैल्यू रहेगी। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करो वो बुरी ही होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे तो। इसलिए लिमिट में रह के करो ताकि आपकी लव लाइफ अच्छी चल सके और लॉन्ग टाइम तक चल सके। अब इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि हर सच्चे प्यार करने वाले तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके, ताकि ये कुछ स्टेप वो फॉलो करके अपनी लव लाइफ को बेटर देन बेटर बना सके।